नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। बढ़ते हुए वायु प्रदूषण को लेकर एनसीआर के 4 जिलों में स्कूल बंद हैं, ताकि बच्चों को भी एयर पॉल्यूशन के गंभीर परिणामों से बचाया जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी सोनीपत के कुछ निजी स्कूल संचालक जैसे मनमानी कर रहे हैं। बंद के आदेश के बावजूद भी स्कूल खोले जा रहे हैं। आखिर ऐसे स्कूल संचालकों पर कार्रवाई कब होगी? निजी स्कूल संचालक सरकारी आदेश की पालना आखिरकार क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या अपने मुनाफे के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हैं निजी स्कूल? यह बड़ा मुद्दा है, बड़ा सवाल है। आज का हमारा कार्यक्रम हरियाणा की आवाज इसी मुद्दे पर है, और इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप ये बात हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे सवाल है आज के कि आखिर सरकारी आदेश के बाद भी निजी स्कूल यानी कि प्राइवेट स्कूल खुल कैसे गए? स्कूली संचालकों में आखिरकार कानून का खौफ क्यों नहीं है, या फिर कानून की ही रजामंदी जो है वो इन प्राइवेट स्कूल संचालकों के साथ मिली हुई है? बच्चों के स्वास्थ्य के साथ आखिरकार खिलवाड़ कब तक और कैसे होता रहेगा? सरकारी आदेश को लेकर आखिर ये अभिभावक, ये पेरेंट्स जागरूक क्यों नहीं है, और मनमानी कर रहे निजी स्कूल संचालकों पर कार्रवाई आखिरकार कब तक होगी? और निजी स्कूल संचालकों की मनमानी क्या केवल स्कूल खोलने और बंद करने को लेकर ही भी है, या कोई और भी ऐसी मनमानियां हैं जिससे आप भी ग्रस्त हैं, जो आपने भी देखी हैं? ये हमारे सवाल हैं आज के, और इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय है, आपके जो भी विचार हैं, आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इस खास कार्यक्रम में आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। ये सोनीपत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा सरकार का आदेश है कि कोई भी स्कूल खुल नहीं सकता है, इसका कारण प्रदूषण है। लेकिन बावजूद उसके कुछ प्राइवेट स्कूल जो हैं वो खोले जा रहे हैं, किसकी शह पर, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में आपके राय, आपके विचार आप हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। अगर आपके क्षेत्र में, आपके आसपास भी कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे स्कूल हैं जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो आप ये जानकारी हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। बढ़ते हुए वायु प्रदूषण को लेकर एनसीआर के 4 जिलों में स्कूल बंद हैं, ताकि बच्चों को एयर पोल्यूशन के गंभीर परिणामों से बचाया जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी ये तस्वीरें आप देखिए, जिसमें सोनीपत के कुछ निजी प्राइवेट स्कूल मैनेजर्स जो हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। बंद के आदेश के बाद भी स्कूल खोले जा रहे हैं, ऐसे संचालकों पर कार्रवाई कब होगी? और इस तरह से अगर सरेआम स्कूलों के द्वारा प्रशासन के नियमों की धज्जियां उड़ाती जाए रहेंगी, तो आखिरकार कैसे व्यवस्थाएं काम कर पाएंगी? ऐसे में इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आप ये हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हरियाणा की आवाज में आप अपनी महत्वपूर्ण राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। कि बंद के आदेश के बाद भी आखिरकार ये स्कूल खुले कैसे हैं? प्रदूषण के कारण जो स्कूलों को बंद किया गया,
आखिर कुछ प्राइवेट स्कूल्स अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो कारण क्या है? करनाल से कॉलर लाल किशन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाल किशन जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। जी सर, हेलो। जी सर, रखिए अपनी बात। सर मेरी बात सुनो, घर बैठे बैठे बच्चे भी तंग हो रहे, माँ बाप भी तंग हो रहे, और बाहर भी जाओ, लोग बाजार में भी जाओ, सारे काम होने लग रहे हैं। बच्चों पर पाबंदी क्यों लगा रखी है? स्कूल तो सारे खोल देने की, हम सही कोरोना के विरुद्ध खड़े, रैलियां भी करने लग रहे, सारे प्रोग्राम हो रहे, बच्चों पर जो आपत्ति रखी है बेचारे भाया। हम तो जहां भी सारे स्कूल खुले रहती है उसकी गाइडलाइन अपनाओ भाई, इतनी इतनी दूरी पर रहना चाहिए, चीज डालनी चाहिए। जिस सारा देश चल रहा है तो बच्चे ने क्यों रोको बेचारे ना घर? मर्जी बात है जी। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी बात हरियाणा न्यूज पर रखने के लिए। स्कूल खुलने और ना खुलने को लेकर आपकी जो भी बात है, और जिस तरह से प्राइवेट स्कूल धज्जियां उड़ा रहे हैं नियमों की, इस मुद्दे पर आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं, धर्म सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। धर्म सिंह जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्कार जी। नमस्कार। ये जो स्कूल प्राइवेट खुल रही है, और मैं ब्लॉक का बीओ बैठे है, ब्लॉक एजुकेशनर से यूं मान लो कि जमा रखिए इन पे आई में किसी न किसी कारण पे, किसी न किसी कारण पे सरकार भी सोच रहा है कि साफ सुथरा काम चल रहा है। साफ सुथरा काम कैसे चलेगा? ये तो जमा भरत सोता नीचे बैठा है, सरकार ने पता भी को नहीं, सरकार ने ध्यान देना दी बातों पे। और एक जिस तरह किसान के साथ होता है ना एग्रीकल्चर के अधिकारी, किसान बीज खरीदेगा जब कोई भी ध्यान नहीं देंगे, बड़ी बीज बेच लेगा ना मछली, ये बाज के एक तो स्कूल अरे खाद बीज की दुकान, ये दो चीज ही समाज कमी इतनी खतरनाक हो रही है कि जहाँ पे मिठाई वाले भी गड़बड़ को नहीं करें, ये कर रहे हैं स्कूल वाले एग्रीकल्चर ये दुकान वाले। तो सरकार ने पूरा ध्यान दिया, जरा आप भी किसान वाला मुद्दा ना जरूर उठाओ, ये दुकान है ना, ये इनकी देख रेख में चलती है, एपीओ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर इसका बीओ की देख रेख में किसानों के साथ भी खूब धोखाधड़ी हुआ है। इसी तरह स्कूल पन गृह पूरी वापी को नहीं जी इनको मान्यता, जब भी रफिए दे देने स्कूल चला रहे। और मैं एक किसान हूँ जी, मैं हमारी किसान है कभी आपको उनको प्रोग्राम दिया रो जी। हाँ धन्यवाद। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद धर्म सिंह जी। किसानों को लेकर हम लगातार कार्यक्रम करते हैं। सिरसा से सूरज भान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज भान जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्कार सर जी। नमस्कार। आप जो भी मुद्दा उठाते हैं, ये जी हर एक के जीवन का प्रमुख मुद्दा जी शिक्षा भी उसी में है, पर ये शिक्षा का सत्र दिनों दिन नहीं ना हमारे नेताओं ने गिरा है, स्कूलों में ये मनमानी है ना, ये इन नेताओं की वजह से हो रही है जी। ये बोलते कुछ है, करवाते कुछ है, निजी स्कूलों को तंग करते हैं, पैसे के बदले में इनको फिर छूट देते हैं। ठीक है जी जी। हर क्षेत्र में, एक शिक्षा का ही नहीं है, हर एक जगह है ये हाल है, मनमानी है हर जगह। अपने शिक्षा मंत्री, अपने जो रक्षा मंत्री हरियाणा के, स्वास्थ्य मंत्री, ये सिर्फ जुमलेबाजी, बस बातें। देखने में इनको कुछ नहीं आया, ये करते हैं सिर्फ बातें, बहुत बड़ी बातें रही है सिर्फ का वहां ऊपर से। शुरुआत ऊपर से होती है जी, हमारे प्रमुख प्रधान से, क्योंकि वो जुमला बोलता है तो ये जुमले बोल रहे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सूरज मान जी। और आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं इस मुद्दे पर, आप हमारे साथ ये बात, ये जानकारियां जरूर साझा कर सकते हैं। आखिर क्यों प्रशासन अपना आदेश भी कुछ निजी स्कूलों के साथ नहीं मनवा सकता है? क्या वो मजबूरियां हैं, क्या वो कारण हैं जिसके कारण आदेश हैं लेकिन फिर भी प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं, स्कूलों को बंद नहीं कर रहे हैं? जरिया उन्हें लेकर सख्ती नहीं बरत रहा है, खुलेआम सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ती हुई प्रदेश में सोनीपत में देखी जा रही हैं। वो चार जिले जहां पर स्कूल बंद हैं, आदेश दिए गए हैं, वहां पर भी कुछ प्राइवेट स्कूल्स सरेआम स्कूल बसेस चल रही हैं बकायदा।
सरेआम स्कूल खोले हुए हैं और कोई भी उन पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। प्रदूषण के कारण अगले आदेश तक ये स्कूल बंद हैं। एनसीआर के चार जिलों में स्कूलों को खोलने पर प्रतिबंध है, लेकिन इन आदेशों की अवहेलना की जा रही है। कुछ निजी स्कूल संचालक अपनी मनमानी कर रहे हैं। इस विषय पर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आप ये बात हम तक जरूर पहुंचाइए। और क्या आपके आसपास भी कोई ऐसी प्राइवेट स्कूल है रहे हैं, तो इस मुद्दे पर भी आप अपनी बात वो खबर हम तक जरूर पहुंचाइए। एक कॉलर वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेंद्र जी स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। सर जी, ये मैं ये बात पूछना चाह रहा हूँ सर, हमने बच्चों की ट्यूशन फीस दे दी सर, स्कूल भी बंद पड़े हैं। अब उन स्कूल वाले ने ये अड़ा दिया कि भाई आप एडमिशन फीस भी दो सर। अब बताओ कहाँ से देंगे सर, सब स्कूल ही बंद पड़े हैं तो एडमिशन कैसे देंगे सर। बिल्कुल, ये निजी स्कूल के जो अब कर्मी हैं, मालिक हैं, ये जिस तरह से अपनी मनमानी कर रहे हैं वीरेंद्र जी, इसी काम को लेकर सर, हाँ। सर इस कोरोना काल में काम भी नहीं था सर। जी जी, तो सर कहाँ से फीस देंगे सर। अब हमने हमने ट्यूशन फीस भी दे दी सर। अब मेरा बच्चा 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, उसका उसकी पेरेंट टीचर ये बोली कि जब तक आप वो ये एडमिशन फीस नहीं देते हम एडमिट कार्ड भी नहीं देंगे। बड़ी मुश्किल से बच्चे ने एप्लीकेशन लगी, तब जाकर उसको पेपर देने दिए था। बिल्कुल सर, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए वीरेंद्र जी। निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर ही हमारा ये खास कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम के जरिए आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं, अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर पर फोन कर सकते हैं और आपकी जो भी बात है वो हम तक आप पहुंचा सकते हैं। गुरुग्राम से कॉलर समीर जी हमारे साथ जुड़े हैं। समीर जी स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। हाँ जी, आवाज मेरी आ रही है? जी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, बोलिए। हाँ जी, एक्चुअल मैं ये बोलना चाह रहा था, स्कूल तो गवर्नमेंट ने जो भी आदेश दिए उसको तो बंद रखना ही चाहिए, बट बच्चों के लाइफ का भी मामला आ जाता है, बच्चे कितना पढ़ पा रहे हैं नहीं पढ़ पा रहे हैं, है ना जी। तो इस पर गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि बच्चों की पढ़ाई की कहां तक नीड है जी। मेरा ये भी मानना है कि बच्चों को जो है कम से कम पढ़ने के लिए क्या कोई जो वैक्सीनेशन वगैरह है उस पर डिसीजन करे सरकार जल्दी से जल्दी जी, यही मैं बोलना चाह रहा था। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद समीर जी अपने विचार साझा करने के लिए। एक कॉलर विजय जी हमारे साथ झज्जर से जुड़े हैं। विजय जी स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। देखो जी, ये स्कूलों में इतनी मनमानी हो रही है बहुत ज्यादा, इन्होंने जैसे जैसे जो भी फीस होती है और जो फंड होते हैं बाकायदा एक बोर्ड के ऊपर दर्शाने चाहिए क्या क्या फीस है, क्या नहीं, ये सारे इन्होंने बोर्ड के ऊपर रिटर्न में सबके सामने रखने चाहिए। और दूसरी चीज ये जी, ये जो स्कूलों में टीचर रखे हुए ना, ये कोई 10वीं पास है, कोई 11वीं पास है, कोई 12वीं पास है, और इनमें ना तो JBT मिलेंगे, ना BEd मिलेंगे, ना ये कोई क्वालिफाई मिलेंगे। तो जब एक हमारे बच्चों का
भविष्य के बनाने के लिए ये स्कूल में जब टीचर रखते हैं तो कम से कम उनके योग्यता तो होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये योग्य टीचर नहीं रखते, मनमानी करते हैं और बच्चों के साथ में इतनी ज्यादती होती है कि कोरोना काल में एक छोटी सी बस के अंदर 50-50, 60-70 बच्चे भर भर के जाते हैं। तो ये कोरोना काल के अंदर जो सेफ्टी होनी चाहिए ये सेफ्टी बिल्कुल नहीं है। और इन गाजे से भाई अपना डिविजनल एजुकेशन ऑफिसर होता है, इन्होंने अपनी नजर बना के रखनी चाहिए। कभी कभी स्कूलों का दौरा भी करना चाहिए। आप देखो हम जब पढ़ते थे, मेरी उम्र आज 65 ईयर है, और जब हम पढ़ते थे तो स्कूल के अंदर कम से कम महीने में 1.5 महीने में डीईओ का दौरा होता था। और उस दौरे के अनुसार स्कूल के अंदर सारे के सारे टीचर अटेंशन हो जाते थे और उनको भय होता था कि एजुकेशन ऑफिसर आएगा कहीं कोई कमी ना मिल जाए। तो इन चीजों का अगर दोबारा चालू हो जाए तो हमारे बच्चों की भाई पढ़ाई में भी सुधार आए और भाई टीचर भी ठीक रहे। धन्यवाद जी। बहुत धन्यवाद सर अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। क्या आपकी राय है इस मुद्दे पर, क्या आपके विचार हैं, ये बात आप हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं। निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर जिस तरह से लगातार बातें कही जा रही हैं, नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए साफ तौर पर स्कूल की इन बसों को देखा जा सकता है जो कि पाबंदियों के बावजूद सड़कों पर खुलेआम दौड़ रही हैं और कोई इन पर सुध लेने वाला नहीं है, इन पर कार्रवाई करने वाला नहीं है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या बात है, आप हम तक जरूर पहुंचाइए। मनमानी कर रहे निजी स्कूल संचालकों पर आखिरकार कार्रवाई कब तक हो पाएगी, ये बात आप हम तक साझा कर सकते हैं क्योंकि बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर एनसीआर के 4 जिलों में स्कूल बंद हैं और वो इसलिए कि बच्चों को वायु प्रदूषण के गंभीर परिणामों से बचाया जा सके। चेन्नई से कॉलर प्रेम हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम जी स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्कार जी। सर ये प्रदूषण के कारण स्कूल बंद, कोरोना के कारण स्कूल बंद हुए वो तो ठीक है, पर सरकार इसके लिए कोई हिदायत बरतनी चाहिए थी उनको कि प्रदूषण कैसे फैल रहा है। ये डेली डेली जो मीटिंगें करते हैं सर, 200 आदमी 500 आदमी की जगह 2 लाख आदमियों की भीड़ इकट्ठी करते हैं, उससे प्रदूषण फैलता है। कितनी गाड़ियां दौड़ती है सड़कों पर, सड़कें टूटी पड़ी है मान लीजिए, तो आप बच्चों का स्कूल तो बंद कर देंगे ठीक है, उनकी पढ़ाई का असर क्या होगा सर, इसका तो कोई मतलब नहीं है। तो सरकार जो अपना स्वार्थ तो देखती नहीं है, क्यों अभी इलेक्शन के चक्कर है, कहीं किसानों का झमेला, किसानों के कारण में इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, कहीं कुछ हो जाता है। साफ सफाई का ध्यान रखना जरूरी है, स्कूलों को साफ रखे तो सर इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। प्रदूषण को रोकने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट से भी बहुत ऑर्डर आया, प्रदूषण रुकेगा कहाँ से सर, जब सड़कें टूटी पड़ी है, कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, फैक्ट्रियां चली है, लोगों को बाहर निकलना जरूरी है क्योंकि कोरोना के बाद निकल रहे हैं। तो प्रदूषण को तो ये हर बार इसी टाइम रोकने की चेष्टा करते हैं, शुरू से भी रोकते हैं। कोई बोलता है पराली जलाने से होता है, कोई बोलता है गाड़ियों से होता है, कोई बोलता है उससे होता है। तो सर एक एक नेता 200 गाड़ी लेके सड़कों पर जाते हैं, कहीं मीटिंग करते हैं दिन भर, तो कम से कम प्रदूषण उससे भी फैलता है। गाड़ियों को कम की करे, गाड़ियों की व्हीकल की जगह वो जितने मंत्री निकलते हैं उसकी जगह वो अपनी ऑफिसों में बैठ के काम करे। तो कोई ना कोई साधन तो सरकार को बनाना चाहिए। आप स्कूलों को प्रदूषण रोकने के लिए स्कूल कैसे बना सकती है सर, मान लीजिए उसने आदेश दे दिए गवर्नमेंट ने बंद करने के बाद, निजी स्कूल चला रहे हैं सर, बच्चों का क्या होगा, भविष्य तो बच्चों का अटक गया ना सब जगह। तो प्रदूषण के लिए तो गवर्नमेंट को कुछ भी उपाय करना चाहिए, गवर्नमेंट के ऊपर में है, केंद्र सरकार के ऊपर में है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। सब इलेक्शन में लगे हैं, शिलान्यास उद्घाटन शिलान्यास सौगात बांट रहे हैं सर, 10,000 करोड़ की 20,000 करोड़ की सर, 2-5,000 करोड़ रुपया लगा के प्रदूषण के लिए फॉग मशीनें वो सब लगा के उससे ही कर सकते हैं। अब 20-20 हजार करोड़ की सौगात बांट रहे हैं इलेक्शन का चक्कर खाली सर, और कुछ नहीं। और नेताओं को देखिए कितने साफ सफूर है, उनको प्रदूषण नहीं खाता है। प्रेम जी
बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ संजीव जी जुड़े हैं झज्जर से। सर बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। चलिए संपर्क टूट गया उनसे, संजीव जी से। आप फिर से कोशिश कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ने की। और क्या इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय है, क्या आपका मानना है, ये बात आप हमारे साथ जरूर साझा कर सकते हैं। सरकारी आदेश के बाद भी आखिर निजी स्कूल कैसे खुल रहे हैं, किसकी क्षय पर खुल रहे हैं? झज्जर से संजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव जी स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, ये कैच स्कूल सर सारे सर ये निकाह के स्कूल है सर ये। और सर जी कोई भी सर मतलब सरकार की सर शक्ति नहीं है। अगर सर सरकार सख्त हो तो सर किसी को भी सर सरकार का डर नहीं है। यहाँ सर अभी बहादुरगढ़ में सर अभी भी ढाबा संचालक है सर, चार सर गोली मार के गए सर बताओ। सर अगर सरकार का खोप हो सर, सरकार का खोप नहीं सर बिल्कुल भी। मैं सर ये कहना चाहूंगा सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए, कोई भी मतलब गलत काम होता है उसके खिलाफ। जी बहुत धन्यवाद सर। बहादुरगढ़ के अंदर सर अभी भी सर अभी बहुत धन्यवाद आपका, अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। सर इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आप ये बात हम तक पहुंचा सकते हैं। बच्चों के स्वास्थ्य के साथ आखिरकार ये खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है,